सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शंकर को बेलपत्र समर्पित जरूर करना चाहिए, वो भी शाम के समय पर। आप लोग तो जानते होंगे कि सोमवार की जो अष्टमी होती है शंकर और पार्वती के मिलन का दिन होता है। किसके मिलन का है, जम के बोलिए, शिव और पार्वती के मिलन का दिन होता है सोमवार की अष्टमी का दिन। साल भर में लगभग 4 या 5 सोमवार की अष्टमी पड़ती है, इससे ज्यादा नहीं पड़ती। पर भाग्यशाली हो आप सब, अब की बार तो लाइन से 2 बार पड़ रही है, शायद एक 27 दिसंबर की पढ़ना चाहिए और एक 10 जनवरी की पढ़ना चाहिए, जहाँ तक ऐसा उम्मीद है। देखा नहीं पंचा, पर ऐसा उम्मीद है कि 27 दिसंबर की पढ़ना चाहिए और 10 जनवरी की पढ़ना चाहिए, सोमवार अष्टमी। प्रयास करा करो, अगर घर में संपदा लक्ष्मी नहीं आ रही हो, व्यापार व्यवसाय नहीं चल रहा हो, नौकरी सर्विस नहीं मिल रही हो, बहुत तकलीफ हो, 7 बेलपत्री केसर को घिसकर चंदन बनाकर बेलपत्री पर बीच वाली पत्ती पर ओम लिखना है। दोनों पत्तियों पर भी एक आदिशक्ति जगदम्बा के नाम की केसर की बिंदी लगाना है, दूसरे में श्री गणेश रिद्धि सिद्धि के नाम की बिंदी लगाना है, शिव जी पर समर्पित करते जाना, शंकर को चढ़ाते जा। शिव और पार्वती के मिलन का दिन होता है सोमवार की अष्टमी। आदिशक्ति 64 योगिनियों को ले जाकर शिव को समर्पित करती है। शंकर भगवान की कथा कहती है सोमवार की अष्टमी पड़ने वाले दिन अगर बेलपत्र पर केसर का भाग लगाकर ओम लिखकर केसर का ही तिलक लगाकर माँ आदिशक्ति गणेश जी रिद्धि सिद्धि के नाम से 7 बेलपत्र शिव को समर्पित कर लाल वस्त्र में उसको बांधकर, जिसका व्यापार व्यवसाय या नौकरी सर्विस नहीं हो, बहुत कष्ट चल रहा हो, बहुत जिंदगी में दुख चल रहा हो, उसको 2-1 महीना रख कर देखो, बाबा लाइन लगा देगा आपकी संपदा की ओर, आपका हाथ पकड़ देगा। सोमवार की अष्टमी शिव को रिझाने की होती है, भगवान शंकर को मनाने की, शिव को प्राप्त करने का एक साधन है। जिन लड़का लड़कियों का विवाह नहीं होता सोमवार के अष्टमी के दिन, अशोक सुंदरी वाली जगह, सबको मालूम है ना अशोक सुंदरी की जगह, अशोक सुंदरी वाली जगह पर 7 हल्दी की बिंदी रख दी जाए, लड़का लड़की जिसका विवाह नहीं हुआ उसका हाथ रख दिया जाए और वही हाथ के छापे पीपल के वृक्ष पर 5 लगा दिए जाए, महाराज 3 महीने में उसका विवाह पक्का हो जाता है। सोमवार की अष्टमी का इतना भाव है, सहज नहीं है सोमवार की अष्टमी, शिव और आदिशक्ति का मिलन है सोमवार की अष्टमी। भगवान